प्रदेश में खाद्य सुरक्षा से वंचित 54 लाख पात्र लोगों खातर बता गेहूँ आवंटन रो केंद्र से आग्रह। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखो कागज। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का मुकाबला की तैयारियां रो केंद्रीय दल दियो जायजो। संक्रमण रोकवा खाद्य सामग्री आपूर्ति और लॉकडाउन की पालना ने लेर जयपुर में न्यारा न्यारा महकमा रा एहलकार से लियो फीडबैक। प्रदेश में आज ओजू मिलिया 49 नया कोरोना संक्रमित। कुल पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ हुई 1937। चिकित्सा मंत्री कया राजस्थान देशभर में सबसे कम मृत्यु दर वाला राज्य में शामिल। खाद्य मंत्री रमेश मीणा करौली में कोरोना नियंत्रण और खाद्य सामग्री वितरण कामरो लीनो फीडबैक। कालाबाजारी जमाखोरी और लॉकडाउन उल्लंघन जरा मामला में सख्ती बरतवारा दीना निर्देश। पुलिस महानिदेशक डॉक्टर भूपेंद्र सिंह पाली और राजसमंद जिला रो करियो दौरो। कोरोना संक्रमण ने लॉकडाउन की स्थिति रो लियो जायजो। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपका घणो घणो स्वागत। मैं हूं गौरव शर्मा और आगे समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कागज लिखकर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा से वंचित 54 लाख पात्र लोगों खातर अतिरिक्त गेहूं आवंटन कर बारी अरज करी है। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जानकारी देता थका बताया कि प्रधानमंत्री ने लिखा कागज में वह मांग करी है कि जनसंख्या रा वर्तमान आंकड़ा ने आधार बनार खाद्य सुरक्षा योजना में प्रति माह 30,000 मेट्रिक टन गेहूं रो बत्तो आवंटन करो जानो चाहिए। 1600 किट उपलब्ध है और 4,000 एक दो दिन में पहुंच रहे हैं और बाकी 24 तारीख के बाद आएंगे। ये हमने शेड्यूल बना रखा है और उसी रूप में हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अभी जब एक बार समाज आगे आ रहा है, भामाशाह आगे आ रहे हैं, शिव जी श्रद्धा आगे आई है और मैं समझता हूँ कि जो हमारी परंपरा राजस्थान की है उसको निभाया उन्होंने, उसी रूप में सब कुछ व्यवस्था हो रही है, खाने पीने की हो रही है, सूखे राशन की हो रही, सब कुछ कर रहे हैं वो लोग। और जहाँ जरूरत है वहाँ मैंने दे रहा है, चाहे कोई इक्विपमेंट की बात है या और किसी की मांग। केंद्रीय वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त सचिव की अगुवाण में आयो 5 सदस्यीय केंद्रीय दल जयपुर में न्यारा न्यारा महकमा रा एहलकार बैठक लेर प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा मुकाबला की तैयारियों रो जायजो लियो। दल कोरोना आपदा रे दौरान संक्रमण रा फैलाव ने रोकबा, जरूरतमंदा ने आवश्यक दवाइयां, खाद्य सामग्री ए दूजी जरूरत रे वस्तुआ री आपूर्ति रे साथ है लॉकडाउन री पालना रे लेर करया जा रिया प्रयासां री जानकारी ली। अजमेर में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 104 हो गई है। सगड़ा संक्रमिता ने जवाहरलाल नेहरू शफाखाना पुगायो गयो है और उनका संपर्क में आए लोगों की स्क्रीनिंग भी कराई जा रही है। चिकित्सा महकमा का अतिरिक्त निदेशक लक्ष्मण सिंह ओला बताया कि जिला में 250 टीमें संक्रमित क्षेत्र में घर घर सर्वे रो काम कर रही है। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा प्रदेश में आज 49 नया कोरोना संक्रमित मिलिया है। इनके साथ ही प्रदेश में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1937 हो गई है। आज मिलिया पॉजिटिव मरीजों में सबसे बता जोधपुर में 20, जयपुर में 12 और नागौर में 10, कोटा में 4 और हनुमानगढ़ में 2 और अजमेर में 1 मरीज संक्रमित मिलो है। प्रदेश में सबसे बता जयपुर में 737 पॉजिटिव मरीज हो गया है। महकमा के मुजब अब 66,257 सैंपल लिया है, इनमें 5,770 रिपोर्ट आनी बाकी है। प्रदेश में अब तक इन महामारी से 27 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 344 मरीज रिकवर हो चुके हैं, जिनमें से 133 ने सफाखाना से छुट्टी दे दी है। बटे सरकारों दावा है कि राजस्थान देशभर में सबसे कम मृत्यु दर वाले राज्य में शामिल है। उनकी संख्या 66,257 है और जो पॉजिटिव केसेस हैं वो 1935 हैं।
पॉजिटिव से नेगेटिव हुए मरीजों की संख्या 344 है और उनमें से 133 लोगों को डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। जो टेस्टिंग फैसिलिटीज बढ़ाने की बात सरकार के द्वारा की गई थी उसमें भरतपुर, डूंगरपुर, पाली, बाड़मेर में आरटीपीसीआर की मशीनें पहुंच चुकी हैं। उदयपुर, अजमेर में जांच की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एडिशनल आरटीपीसीआर मशीनें पहुंची हैं और भीलवाड़ा को आईसीएमआर नई दिल्ली से जांच के उपरांत हमें उम्मीद है कि आज परमिशन मिल जाएगी जांच की। इसके अलावा जो जोधपुर में डेजर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें भी जांच की सुविधा प्रारंभ हो गई है, उसमें 300 जांच प्रतिदिन हो रही है। हमने जयपुर और जोधपुर के लिए कोबास 8800 मशीनें खरीदने का आदेश दिया है जिससे हमारी वर्तमान जांच क्षमता 2500 से 3000 है, उसमें 3000 टेस्ट पर डे और बढ़ जाएगी जयपुर और जोधपुर को मिला के। एक मशीन से आरएनए एक्सट्रैक्शन तथा आरटीपीसीआर दोनों टेस्ट एक साथ हो सकते हैं। जो 400 मेडिकल वैन ओपीडी प्रारंभ करने की घोषणा की थी, हमने कल भी मॉनिटरिंग की थी सारे सीएमएचओज के साथ, वो आज हमारी सफलतापूर्वक काम करने लग गई है। पूरे राजस्थान से रिपोर्ट आ रही है, उसका लाभ राजस्थान के लोगों को बराबर मिलने लगा है। अजमेर में कोरोना से संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़कर 104 हो गई है। सगला संक्रमितों ने जवाहरलाल नेहरू छपाखाना पुगाई गयो है और उनके संपर्क में आए लोगों की स्क्रीनिंग भी कराई जा रही है। चिकित्सा महकमा का अतिरिक्त निदेशक लक्ष्मण सिंह ओला बताया कि जिला में 250 टीमें संक्रमित क्षेत्र में घर घर सर्वे रो काम कर रही है। खबर लेते रहते और हर घंटे फीडबैक दे रहे हैं और हमारे जो चिकित्सक बंधु हैं, चिकित्सा विभाग के नर्सिंग कर्मी हैं, उनका बराबर मनोबल बढ़ा रहे हैं। इसमें हमारा जो सामंजस्य पुलिस विभाग के साथ बहुत शानदार आ रहा है। पुलिस विभाग और पुलिस कर्मी जो हैं, इंक्लूडिंग हमारे अजमेर के एसपी साहब जो हैं, स्वयं इलाकों में जाकर के और बैरिकेड्स लगवाना, चेक करना, सारा सब कुछ कर रहे हैं। इसी तरह से अन्य विभाग भी सामंजस्य के साथ चले तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे, कोरोना पे काबू पाएंगे। हनुमानगढ़ जिला में आज आया 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ो दस हो गया है। इनसू पहले काल बीकानेर भेजा गया कुल 37 सैंपल में से 32 सैंपल रिपोर्ट आ गई है, जिनमें 5 नवा मामला सामने आया है। जिला में अब तक कुल 500 सैंपल बीकानेर भेजा जा चुका है, जिनमें से हाल तक 464 रिपोर्ट निगेटिव आई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा करौली जिला सभागार में एहलकारी बैठक लेर जिला प्रशासन कानिसों कोरोना नियंत्रण और खाद्य सामग्री वितरण कामारी समीक्षा करी। बैठक में जिला कलेक्टर एमएल यादव और एसपी अनिल कुमार बेदीवाल समेत दूजा एहलकार मौजूद रहा। मंत्री कालाबाजारी, जमाखोरी और लॉकडाउन का उल्लंघन जैसा मामला में सख्ती बरतवार हुक्म दिया। हमारा जो माहौल चल रहा है करौली में, अधिकारियों के द्वारा, जनता के द्वारा, भामाशाहों के द्वारा एक अच्छा माहौल है। सब एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इसी प्रकार हम सब लोग इस बीमारी को कैसे रोकें, इस जिले में कोई बीमारी नहीं आए और हमारी स्क्रीनिंग की जो मॉनिटरिंग की जो व्यवस्था है सुदृढ़ व्यवस्था से चल रही है, वो चलती रहे। और नेक्स्ट जब भी हम मीटिंग लेंगे, कुछ बिंदुओं पर हमने चर्चा की है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए तो उस पर हम लोग तो हमारी मॉनिटरिंग और अच्छी होगी और हमारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार भी पूरा ध्यान है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। पुलिस महानिदेशक डॉक्टर भूपेंद्र सिंह पाली और राजसमंद जिला रो दौरो कर कोरोना ने लेर लॉकडाउन की स्थिति रो जायजो लियो। वे एहलकार ने निर्देश दिया कि लॉकडाउन का उल्लंघन ने किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करो जावे। सिरोही जिला में कोरोना वायरस से लोगों का बचाव खातर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। लोगों ने घर में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग राखबाने कहो जा रही है। वटे बाजारा में भीड़ करबारे बजाय ऑनलाइन शॉपिंग खातर प्रेरित करो जा रही है। लोगों ने भी ऑनलाइन शॉपिंग रास आ रही है और वे जरूरी खाद्य वस्तुआं ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगा लिया है।
जब तक लोग अपने घरों में हैं तब तक वे सुरक्षित हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए लोगों के घरों तक, उनके दरवाजे तक सामान की आपूर्ति करने हेतु एक तो प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र से और शहरी क्षेत्र से हमने दुकानदारों के नाम, उनके व्हाट्सएप नंबर आम पब्लिक के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया है। अब उस सुविधा को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने एक एप्लीकेशन का ऐप का विस्तार किया है, वो गूगल प्ले स्टोर पर है। उसके माध्यम से कोई भी दुकानदार SSO ID जनरेट करके उसमें अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। कोई भी व्यक्ति, आम नागरिक, उसमें अपनी ID जनरेट करके किसी भी सामान के लिए ऑर्डर कर सकता है, वो सामान उसके घर तक पहुंच जाएगा। आम आदमी का स्वास्थ्य ने ध्यान में रखता था का राजस्थान सरकार 400 मोबाइल OPD वैन फील्ड में उतारी है। ए वैन उपखंड मुख्यालय रे साथे खास छोरा माथे मौजूद रहेली, जिनसु कोरोना महामारी रे बीच दूजी बीमारियां से भी पीड़ित मरीजा ने किणी भांतरी दिक्कत रो सामो नहीं करना पड़े। जहां पे लॉकडाउन है, कर्फ्यू लगा हुआ है, भीड़ भड़ भरा जो जगह है, जो चिकित्सा सेवाओं से वंचित हैं, जिनमें मुख्य रूप से किडनी के मरीज हैं, TB के मरीज हैं, डायबिटीज़ के मरीज हैं, हाइपरटेंशन के मरीज हैं, गर्भवती महिलाएं हैं तथा ILI के पेशेंट, जो चिकित्सा सेवाओं से वंचित हैं, उनको चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए पूरे राज्य में लगभग 400 के करीब MMU, MMV और बेस एम्बुलेंस है, ये योजना चलाई, आज से ही शुरू हो गई, जिसमें कंसल्टेंसी, निशुल्क दवा और निशुल्क जांच योजना का फ़ायदा दें लोगों को, और साथ साथ में उनको काउंसलिंग भी करें। जोधपुर का सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय कानीसून लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावा खातर इम्यूनिटी किट तैयार करी जी है, जिनको पुलिस और चिकित्सा महकमा के जरिए वितरण करियो जा रही है। विश्वविद्यालय का कुलपति डॉक्टर अभिमन्यु कुमार बताया कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय कानीसू जारी एडवाइजरी रे मुजब यह किट तैयार करी जी है। वह बतायो कि हाल तानी 1500 किट तैयार करी जी है, जो मांग रहा आधार माथे बांटी जा रही है। इसको सेलेक्ट किया और 3 मेडिसिन को सेलेक्ट करने के बाद हमने एक उसकी किट बनाई है। तो इसमें जो 3 औषधियाँ हैं वो एक महासुदर्शन धनबटी है, जिसमें बहुत सारे कंपाउंड, इसमें हर्ब्स हैं। दूसरा एक सनसमनी वटी है। ये सनसमनी वटी मूल रूप से एक मेडिसिनल प्लांट होता है, जिसको हम गुडुची बोलते हैं। तीसरा इसमें जो हम लोगों ने ड्रग एड की है वो हल्दी के ऊपर है, वो बेसिकली हल्दी ऊपर बेस्ड है। तो क्योंकि हल्दी के ऊपर भी बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं और उनका इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट वेल प्रूव्ड है, उसमें कोई संशय की बात नहीं है। तो इन 3 ड्रग डूंगरपुर नगर परिषद कोरोना संक्रमण रोकबा खातर उठाई जिया मजबूत कदमारे चलता कोरोना संक्रमण नियंत्रण में सफल रियो है। नगर परिषद रा सभापति KK गुप्ता रो कहना है कि वह वना कोरोना वायरस सू लड़ता खातर पहले करता थर्मल स्कैनर सू जांच, घरा घरा सर्वे, शहर घर ने सैनिटाइज करवा, सैनिटाइज टनल लगावा समय साफ सफाई माते पहल करता था का खास जोर दियो, जिनरे चलता डूंगरपुर शहर आज पूरी तरह सुरक्षित है। इसके अंदर नगरपालिका क्षेत्र के अंदर जितने भी वार्ड हैं उनके अंदर हमारी सारी टीम जाके घर घर जाके स्कैनिंग का काम कर रही है। अभी तक हमने लगभग 5000 से ऊपर मकान और 21000 लोगों की स्कैनिंग कर चुके हैं। कोरोना संक्रमण की टीम जयपुर में लॉकडाउन रो असर साफ साफ दिखाई दे रही है। जयपुर री सुनी सड़क माथे लोगारी आवाजाही रोकबा खातर जगह जगह चेकपॉइंट बनार पुलिस कर्मी दिन रात चौकसी रखे हुआ है। जरूरी काम सु आवाजावाड़ा पूछताछ करी जा रही है। यही नहीं, कोरोना वॉरियर्स रा रूप में तैनात इड़ पुलिस दस्ता में बड़ी तादाद में महिला पुलिसकर्मी भी घर परिवार ने छोड़ डटोड़ी है। माघा संवाददाता मनीष कुमार शर्मा री एक रिपोर्ट। इस समय हम जो है जयपुर के नारायण सिंह तिराहे पर खड़े हैं और आप यहां अच्छी तरह से ये देख सकते हैं कि महिला पुलिसकर्मी जो है अपने कोरोना वॉरियर्स की भूमिका में पूरी तरह से मुस्तैद है। किसी भी तरह से जो है यहां पर सरकारी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। पूरी सोशल डिस्टेंस बरतते हुए यहाँ महिला पुलिसकर्मी अपनी पूरी ड्यूटी पर तैनात है। आइए हम इनसे जानते हैं कि किस तरह से ये यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही हैं और लोगों को क्या मैसेज है इनका।
हाँ मैडम बताएं। हम पूरी मुस्तैदी से यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हम लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकले, सरकार की जो गाइडलाइन दी हुई है उसी का पालन करें और सोशल डिस्टेंस बना के रखें ताकि वो भी सेफ रहें और पूरे अपनी इंडिया बच सके। इस तरह से महिला वॉरियर्स जो कि कोरोना वॉरियर्स की भूमिका में हैं और ये मैसेज दे रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जो सबसे बड़ा इस समय मुद्दा है, लोगों को इसका पालन करना है। हम और एक और महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपना जो है भूमिका यहाँ पर अदा कर रही हैं। सर, हम लोगों को बोल रहे हैं कि घरों से बाहर मत निकलो और जो बेवजह घरों से बाहर उन्हें समझा के अंदर भेज रहे हैं और उनसे बोल रहे हैं अगर आप बाहर निकलोगे बेवजह तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी। इस तरह से आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि यहाँ पर अपनी ड्यूटी तो पूरी कर ही रही हैं, उसके साथ में लोगों को ये मैसेज भी दे रही हैं कि हमें घर से बेवजह बाहर नहीं निकलना है। जयपुर से मनीष कुमार शर्मा, DD न्यूज़। राज्य सरकार कोरोना संक्रमण की रोकथाम खातर जारी लॉकडाउन के दौरान खास तबकारा मजूरों ने छूट दीजी है। इनमें पेयजल और बिजली से जुड़िया काम करवा वाला मजदूर वर्ग ने आपरा कामरा सिलसिला में आबा जाबारी राहत प्रदान करी जी है। हालांकि मजदूरों का कहना है कि वह दुकान बंद हो बाद बड़ा नल और बिजली मरम्मत रो सामान नहीं मिल रहा है। जो पास की सुविधा है ना वो करवाओ, और जो दुकानें बंद है उनकी उस दुकानें बंद है जो सामान कहाँ से खरीदेंगे उनको भी खुलवाओ। काम मिल रहा है? अरे काम मिल रहा है तो कैसे काम करें हम? काम भी आ रहा है, किसी के काम भी करने जाए तो कैसे जाएं? और पास के लिए चलो पास भी करवाते हैं कहीं से हमारे को, तो दुकानें ओपन नहीं है तो सामान कहाँ से लाएं? कोरोना संक्रमण से मुकाबला इन दौर में जटे चिकित्सा और दूजी जरूरी सेवाओं ने छोड़कर बाकी दुनिया थमेड़ी से मालूम हुआ है। वटे दूजी कनी एड़ा भी लोग है जो इन टाइम में आपकी इच्छा से पहल कर सार्थक काम कर रिया है। एड़ी एक मिसाल पेश करिए, राजस्थान रा सीकर जिला रा पलसाना माए एक स्कूल माए श्रमिका ने ठहरबा खातर बनाई जिया सेंटर माए, जटे मजूर आपकी इच्छा से स्कूल रा रंग रोगन रो काम करियो और उन टाइम ने सार्थक बना दियो। पेश है एक रिपोर्ट। जहां एक तरफ कोरोना से मुकाबले और इसके संक्रमण को रोकने के लिए हर व्यक्ति सावधान और सतर्क है, वहीं राजस्थान के सीकर जिले के पलसाना में सरकारी स्कूल में श्रमिकों के रुकने के लिए बने एक सेंटर में ठहरे श्रमिकों ने एक नई मिसाल पेश की है। दरअसल पलसाना कस्बे के शहीद सीताराम कोमावत और सेठ KL तांबी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में श्रमिकों के ठहरने के लिए सेंटर संचालित हैं। यहाँ राजस्थान के अलावा हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 54 मजदूर ठहरे हुए हैं। ये सभी लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और इनका क्वारंटाइन समय भी पूरा हो गया है। सेंटर पर ठहरे इन श्रमिकों को विचार आया कि वे मेहनतकश लोग हैं, खाली बैठे तो वैसे ही बीमार हो जाएंगे। दूसरी ओर वे स्थानीय सरपंच और ग्रामवासियों की व्यवस्थाओं से भी बेहद संतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने स्वयं ये इच्छा जाहिर की कि वे गाँव के लिए कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि इस समय का उपयोग करने के लिए वे गांव के स्कूल में रंग रोगन का काम करें। पहले थाली बैठे थे जी, हमारी व्यवस्था खराब हो रही थी, काम करने वाले हैं तो बोले सरपंच साहब को कोई काम। सरपंच साहब ने स्कूल के अंदर हमारे को रंग रोगन ला दिया। हमारे लड़के जो है 5-4 अपना रंग रोगन स्कूल के अंदर कर रहे हैं जी। हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी है, रोज साबुन मिलता है नहाने को, कपड़े धोने को, पानी का पूरा इंतजाम है स्कूल के अंदर जी। हाँ जी, पलसाना में सरपंच जी ने हमारी लोगन की सब अच्छी बढ़िया व्यवस्था कर रखी। MP जिला के हैं, हमको यहाँ 30 दिन माने हो गया यहाँ रहते। हमको सवेरे पूरी सब्जी देते हैं और शाम को टाइम दाल चावल और भी अच्छा अच्छा बना खाना, हलवा पूरी से सबसे बूंदी से सवेरे नाश्ता देते हैं, चाय बिस्कुट, और 3 बजे संतरा से उफल माने जे केले बिस्कुट सब देते हैं खाने के लिए। विद्यालय में पिछले 9 साल से रंग रोगन का काम हुआ भी नहीं था। सभी शिक्षकों ने अपने वेतन से रंग रोगन के पैसे देने के प्रस्ताव को सहमति दी। उस राशि से रंग रोगन की सामग्री लाकर दी गई और इन श्रमिकों ने विद्यालय में रंगाई पुताई का काम शुरू कर दिया। प्रोग्राम बनाया गया कि कलर है वो हम भामाशाहों से और स्टाफ जो है विद्यालय का उससे कलेक्शन करके और उपलब्ध करवा दें। इनमें जो कारीगर हैं वो कलर करेंगे। उन्होंने सहमति जताई और इस काम को हमने आरंभ कर दिया, जिसका रिजल्ट बहुत ही शानदार आ रहा है।
केंद्र में ठहरे श्रमिकों द्वारा स्वेच्छा से की गई इस पहल से गांव वाले भी काफी खुश हैं, क्योंकि अब उनके गांव का स्कूल पहले से अधिक साफ सुथरा हो गया है। जो ये श्रमिक बंधु हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार और राजस्थान के श्रमिक बंधु हैं, इन्होंने प्रभावित होकर कहा कि हम भी, अब हमारा क्वारंटाइन का समय पूरा हो गया है तो हम विद्यालय कैंपस में सफाई करेंगे और विद्यालय में हम कोई इस प्रकार का हम कोई नवाचार और रचनात्मक कार्य करना चाहते हैं जिससे कि हमारी याद इस विद्यालय परिसर से सदैव जुड़ी रहे। तो इन्होंने कलर करने का ठाना कि हम यहाँ कलर करेंगे, क्योंकि इनमें चार पांच श्रमिक बंधु कलर करने वाले हैं, तो विद्यालय के स्टाफ के द्वारा और ग्राम पंचायत के द्वारा और हमारे यहाँ गांव के भामाशाहों के द्वारा रंग रोगन की जो सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कोरोना महामारी से मुकाबले के इस मुश्किल समय में इन श्रमिकों द्वारा स्वेच्छा से की गई ये पहल न केवल दूसरों के लिए एक उदाहरण है, बल्कि इस महामारी से मुकाबला करने में सार्थक कार्य किए जाने की एक बड़ी प्रेरणा भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी जनधन योजना कोरोना महामारी का दौर में लोगों खातर वरदान साबित हो रही है। इंडी बानगी जयपुर में आगरा रोड माथे बगराना रा बैंक ऑफ बड़ौदा में देखबाने मिली। शाखा प्रबंधक जय सिंह मीणा बताया कि उनराठ है 16,000 सू बत्था जनधन खाता है, जिनमें 12,000 महिलाओं वाला अकाउंट है। वे बतायो कि प्रधानमंत्री सहायता कोष के तहत 5,000 रुपये की रकम 3 महीने ताणी उनरा खाता में डाली जावेली। लाभार्थी भी पूरी तरह सोशल डिस्टेंस मेंटेन करता राशि लेबा में सहयोग दिखा लिया है। सभी खातों में पैसे आ चुके हैं और इनमें से हम तकरीबन 12,000 को पैसे दे चुके हैं और पूरी ब्रांच का भी, ब्रांच और एटीएम का दिन में 2 बार सैनिटाइजेशन कर रहे हैं और बाहर हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। पूरा स्टाफ बिल्कुल पैक सोशल डिस्टेंस और कस्टमर्स को भी हम सैनिटाइजर वगैरह सब यूज कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे खाते में तीन महीने के लिए 500 रुपये डलवाए हैं और उनका धन्यवाद करती हूँ। हमारे घर खर्चे के लिए जो राशि दे रहे हैं उससे हमारा घर खर्चा चल रहा है। मेरा जनधन योजना में खाता है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 500 रुपये 3 महीने के लिए डाले हैं, उनके लिए बहुत धन्यवाद है, इससे हमारा खर्चा चल रहा है इस घर के लिए। मैं ये बैंक में आई हूँ, यहाँ मेरा जनरल खाता है, यहाँ जो 1500 रुपये मोदी जी ने दिए हैं उससे हमारा घर खर्च चल रहा है और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जो उन्होंने हमारी इतनी सहायता करी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गांव वाला लोगों खातर वरदान साबित हो रही है। योजना के तहत लाभार्थियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर भरावा खातर 757 रुपया सीधा ही वारा खाता में डालिया जा रहा है। कोटा जिला रा मोईकला गांव निवासी लाभार्थी रो कहना है कि योजना रे जरिए कोरोना संक्रमण काल माए काम नहीं मिलवारे बावजूद निःशुल्क सिलेंडर भरिया जबासु वना भोजन पकावा माए आ रही परेशानी सु निजात मिली है। मोदी जी ने पैसे डाल दिए 757 रुपये, मैंने गैस भरा लिया, मेरे चूल्हा की टेंशन खत्म होगी। मोदी जी ने जो भी किया है वो बहुत अच्छा है, उन्होंने 3 महीने के लिए जो लॉकडाउन चलते रहते और ये व्यवस्था गैस फ्री करवाई है वो भी बहुत। प्रधानमंत्री जनधन योजना उदयपुर जिला रा मजूरा खातर वरदान साबित हो रही है। योजना के तहत महिला लाभार्थियों रा खाता में 5 रुपया हर महीने दियो जा रही है। इंडी जानकारी खाता धारक ने मोबाइल संदेश के जरिए दी जा रही है। लाभार्थियों रो कहना है कि संक्रमण के कारण लॉकडाउन माए या राशि वाणे जीवन यापन रो सशक्त माध्यम बनी है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे घर में थोड़ी कमी पैसी हो तो घर खर्चा चलाने की, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी ने 1500 रुपये दिया, मेरे घर खर्चा चलाऊं, छोटे बच्चे भी है 2 छोटे-छोटे, घर खर्चा। भारत सरकार कानीसू काश्तकारा रे हितमाय चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना काश्तकारा ने घनी राहत प्रदान करी है। वैश्विक महामारी सु गुजरिया काश्तकारा रो कहना है कि लॉकडाउन माए बिना काम घरा माए रह रिया गरीब काश्तकार योजना रे तहत मिल रही 2,000 रुपये की राशि सु वाने का बड़ो आर्थिक संबल मिलियो है। लॉकडाउन में मोदी सरकार ने ये सहायता दी है, इसके लिए मोदी सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपये की राशि दी है जो कि मैं खेत के काम में काम लेऊंगा और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपये की राशि इस कोरोना महामारी के चलते ये सहायता मिली है, जिसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं।
जो मौसम राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई छोरा माथे आज सुहाणे हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा हुई। इन दौरान दौसा जिला में हुई करीब 3 घंटा री बिरखा मंडी में धरी फसल ने भिगो दियो, जिनसु फसल बर्बाद होगी। गौरतलब है कि लॉकडाउन में मंडिया ने खोलवा खातर सरकार फैसलो लियो कि जिन रहते 17 अप्रैल सु दौसा मंडी में काश्तकार फसल री उपज लाने शुरू कर दियो हो। काश्तकारों को कहना है कि इन बीच मंडी में लाई जी गेहूँ जौ और चना री फसल खराब होगी। अचानक बादल आए और बारिश से माल भीग गया और पहले के गिरा पहले के पड़ा हुआ माल था वो भी लगभग भीज गया पूरा। हमारा कौन भुगतान करेगा इसका? हमारा माल भीज गए साहब, आप कौन भुगतान करेगा? किसानों को कई दिनों से उम्मीद थी कि लॉकडाउन खुलेगा और मंडी खुलेगी तो वो माल लाकर बेचेंगे और उन्हें पैसा मिलेगा ताकि उनका जो है खर्च चल सकेगा, लेकिन आज मौसम की ऐसी मार पड़ी कि उनकी फसल भी गई। अब यह मुआवजा कौन देगा? संतोष तिवाड़ी, दूरदर्शन समाचार, दौसा। अरे इन बुलेटिन का खास खबर एक बार फेरूं। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा से वंचित 54 लाख पात्र लोगों खातर बता गेहूं आवंटन रो केंद्र से आग्रह। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखो कागज। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का मुकाबला की तैयारियां रो केंद्रीय दल दियो जायजो। संक्रमण रोकवा खाद्य सामग्री आपूर्ति और लॉकडाउन की पालना ने लेर जयपुर में न्यारा न्यारा महकमा रा एहलकार से लियो फीडबैक। प्रदेश में आज ओजू मिलिया 49 नया कोरोना संक्रमित। कुल पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़कर हुई 1937। चिकित्सा मंत्री कया राजस्थान देशभर में सबसे कम मृत्यु दर वाला राज्य में शामिल। खाद्य मंत्री रमेश मीणा करौली में कोरोना नियंत्रण और खाद्य सामग्री वितरण कामरो लीनो फीडबैक। कालाबाजारी जमाखोरी और लॉकडाउन उल्लंघन जरा मामला में सख्ती बरतवारा दीना निर्देश। पुलिस महानिदेशक डॉक्टर भूपेंद्र सिंह पाली और राजसमंद जिला रो करियो दौरो। कोरोना संक्रमण ने लॉकडाउन की स्थिति रो लियो जायजो।